नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल ऑडियो स्ट्राइम में। मैं हूँ आपका दोस्त अमन साड़ा और लेके आया हूँ आज आपके लिए गजब गजब की न्यूज। तो आशा करूँ आज ही आपको ये डेली डोज पसंद आएगी। अगर आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए पता लगाते हैं आज के डेली डोज के बारे में। तो चलिए दोस्तों पता लगा लेते हैं आज का डेली डोज के बारे में और आशा करता हूँ आपको हमारा कल का डेली डोज पसंद आया होगा। अगर आप देखना भूल गए हैं तो नीचे आइए, हमने लिंक प्रोवाइड कर रखी, देखिए और बताइए कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक को शेयर करना मत भूलेगा। यहाँ पे बात करें आज के सबसे पहले डेली डोज की, तो ये आ रही है सैमसंग गैलेक्सी A80 से और यहाँ आ चुका है नया अपडेट जिसके तहत आपको मिल चुका है सेल्फी के अंदर ऑटो फोकस। जी हाँ, साथ ही साथ आप देख सकते हैं कुछ इंप्रूवमेंट्स भी आपको देखने मिले हैं। तो बताइए क्या सोचते हैं और क्या आपको ये अपडेट पसंद आया कि नहीं आया, कमेंट कीजिए और बताइए। बात करें अगली डेली डोज की, तो ये आ रही है HMD ग्लोबल के नोकिया 4.2 से और यहाँ पे भी आ चुका है नया अपडेट जिसके तहत आपको जुलाई का सिक्योरिटी पैच तो मिला ही मिला है, साथ ही साथ आपको ड्यूल VoLTE सपोर्ट भी मिल चुका है। तो ओवरऑल पहले से आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा और स्टेबिलिटी भी पहले से ज्यादा इंप्रूव देखने को मिलेगी। तो बताइए क्या सोचते हैं और क्या आपको ये अपडेट पसंद आया कि नहीं आया, कमेंट कीजिए और बताइए। बात करें अगली डेली डोज की, तो यहाँ आ रही है नॉइस कंपनी की तरफ से और यहाँ पे लेके आ गए हैं नया फिटनेस बैंड, ये है कलर फिट 2 और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से देखने मिलेगा। ओवरऑल लुक वाइज ये बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पर आपको ये अलग अलग कलर्स में मिल जाता है। बात कर ले फीचर की, तो फीचर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से है, फीचर अच्छे हैं, वाटरप्रूफ आपको ये मिल रहा है, पहले से आपको ब्राइटर डिस्प्ले मिल रही है, ब्लूटूथ 4.2 मिल रहा है, यहाँ पर आप कॉल टेक्स्ट नोटिफिकेशंस भी देख सकते हैं। यहाँ पे बात करें और चीजों की, तो यहाँ वुमेन्स ओनली के लिए आपको ये ट्रैकिंग फीचर मिलेगा। यहाँ पे बात करें और क्या चीज देखने मिलती है, तो यहाँ आपको मल्टी स्पोर्ट मोड्स मिल जाते हैं, यहाँ पर आप इजीली इसे निकाल सकते हैं स्ट्रैप को और ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है वो आपका अच्छा रहने वाला है। यहाँ पे बात करें अवेलेबिलिटी एंड प्राइसिंग की, तो ये अवेलेबल हो चुका है अमेजोन इंडिया पर और इसकी प्राइसिंग रखी गई है 1899। तो बताइए क्या सोचते हैं और क्या आप इस नए फिटनेस बैंड को लेना पसंद करेंगे, तो कमेंट कीजिए और बताइए। बात करें अगली डेली डोज की, तो ये आ रही है सोनी कंपनी की तरफ से और यहाँ पे इन्होंने अपनी मास्टर सीरीज के अंदर लॉन्च कर दी है दो नई टीवी को, ये है A9G और A9L। जी हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं A9G कुछ इस प्रकार से देखने मिलेगी। यहाँ पे बात कर लें इसके फ्यूचर की, तो यहाँ पर ये आपको दो रेंज में मिलने वाली है, एक है 55 इंच और एक है 65 इंच। यहाँ पर आपको मिल जाता है HDR10 सपोर्ट, डॉल्बी विजन आपको यहाँ मिल जाएगा। यहाँ पे बात करें और चीजों की, तो आपको नेटफ्लिक्स ओरिजन्स मिल जाएंगे। यहाँ पे बात करें और चीजों की, तो एंड्रॉइड 8.0 ओरियो पे ये चलता है। यहाँ पे बात करें और क्या देखने मिलता है, तो यहाँ आपको OLED टीवी ये देखने मिलती है, 4K रेजोल्यूशन के साथ आती है, गूगल असिस्टेंट आपको सपोर्ट मिल जाता है, एप्पल का एयर प्ले और होम किट का भी सपोर्ट आपको यहाँ मिल जाएगा, वॉइस कंट्रोल आप इजीली कर सकते हैं जो कि हम बता ही चुके हैं। यहाँ पर आपको ऑकस्टिक सरफेस ऑडियो प्लस मिल जाता है, 2.2 चैनल स्पीकर भी मिल जाता है। यहाँ पे आपको साथ ही साथ डॉल्बी एटमॉस DTS डिजिटल साउंड मिल जाता है, 16GB स्टोरेज मिल जाती है और बिल्ट इन आपको क्रोमकास्ट देखने मिलता है। बात कर लें यहाँ पे A8G की, तो आप देख सकते हैं ये कुछ इस प्रकार से देखने मिलेगा और यहाँ पे ये भी 4K टीवी है, OLED वाली है, सेम 55 और 65 इंच में आपको ये मिलेगी। आपको यहाँ पे मिल जाता है HDR प्रोसेसर X1 और वहाँ पे आपको अल्ट्रा वाला मिलता है। यहाँ पे बात करें और चीजों की, तो यहाँ आपको सुपर बीट मैपिंग मिल जाएगी, यहाँ पर आपको HDR रीमास्टर मिल जाएगा, 4K HDR मिल जाएगा, ड्यूल डाटा बेस प्रोसेसिंग मिल जाएगी। यहाँ पे बात करें और चीजों की, तो यहाँ पर भी आपको ऑकस्टिक सरफेस ऑडियो मिल जाता है। यहाँ पे बात करें और चीजों की, तो एंड्रॉइड मिलती है, गूगल असिस्टेंट के साथ ये भी आता है और जो टीवी है वो भी बहुत तगड़ी है। यहाँ पे बात कर लें प्राइसिंग की, तो A8G की प्राइसिंग स्टार्ट हो रही है 2,19,990 से और वहीं जो आपका A9G है उसकी प्राइसिंग स्टार्ट हो रही है 2,69,990 से। तो बताइए क्या सोचते हैं और क्या आप इनमें से कोई भी एक टीवी लेना पसंद करेंगे, तो कमेंट कीजिए और बताइए। बात करें अगली डेली डोज की, तो ये आ रही है सैमसंग के नेक्स्ट ईयर वाले A सीरीज से और यहाँ पे मालूम पड़ा है कि इनका क्या नाम हो सकता है। जी हाँ, यहाँ पे सारे नाम क्लियर हो चुके हैं, ये है A11, A21, A31, A41, A51, A61, A71, A81 और A91। तो कुछ इस प्रकार से इनके नाम होने वाले हैं, एक एक नंबर बढ़ा दिए गए हैं। तो अब देखते हैं किस प्रकार से A सीरीज आती है अगले साल, क्या नई नई चीजें देखने मिलती है और किस प्राइस में सेल आउट होती है। तो आप बताइए क्या सोचते हैं और क्या आप चाहते हैं सैमसंग की गैलेक्सी A सीरीज को लेना या फिर इंटरेस्टेड हैं कोई और कंपनी के स्मार्टफोन में, तो कमेंट कीजिए और बताइए।
बात करें अगली डेली डॉज की तो ये आ रही है एलजी की तरफ से, और यहाँ पे इन्होंने ट्रेडमार्क करवा दिया है इनके रोलेबल स्मार्टफोन को। जी हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका नाम है एलजी रोलिंग, और यहाँ पे अदर डिटेल्स दे रखी है। यहाँ पर अब बात करें कब तक ये आ सकता है स्मार्टफोन, तो अभी कुछ कन्फर्म नहीं है, परंतु अब ये कन्फर्म है कि एलजी भी तैयार कर रहा है एक रोलेबल स्मार्टफोन जो कि बहुत तगड़ा हो सकता है। और देखते हैं ओवरऑल क्या फीचर निकल के आते हैं और किस प्रकार से इसकी डिजाइन होती है। तो आप बताइए क्या सोचते हैं, और क्या आप चाहेंगे एलजी का रोलेबल डिवाइस को यूज करना, तो कमेंट कीजिए और बताइए। बात करें अगली डेली डॉज की तो ये आ रही है मीडियाटेक की तरफ से, और इन्होंने फाइनली अनवील कर दिया है इनके हीलियो G90 सीरीज को, और इसके अंदर आपको G90 और G90T देखने को मिलेगा। यहाँ पे बात करें फ्यूचर की तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से फ्यूचर हैं, फ्यूचर बहुत तगड़े हैं। सबसे खास चीज है ये हाइपर इंजन जो कि बहुत तगड़ा है, ड्यूल वाईफाई कनेक्शन मिलेगा जो कि अपने आप में गजब की चीज है, और जो नेटवर्क क्वालिटी आपको मिलने वाली है वो बहुत ही तगड़ी होने वाली है, और जो ओवरऑल गेमिंग एक्सपीरियंस है वो भी बहुत तगड़ा होने वाला है। अब वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है, कौन सा वो पहला स्मार्टफोन होता है जो इस नए G90 सीरीज वाले चिप के साथ आता है, और कितना हमारे को एक्सपीरियंस अच्छा पहुंचाता है। तो आप बताइए क्या सोचते हैं, और क्या आपको यह नई चिपसेट पसंद आई कि नहीं आई, कमेंट कीजिए और बताइए। बात करें अगली डेली डॉज की तो ये आ रही है सैमसंग की तरफ से, और यहाँ पे इन्होंने ऑफिशियली बता दिया है कि कब आपको यहाँ पे टैब S6 और सैमसंग की जो आने वाली है गैलेक्सी वॉच एक्टिव 2 वो देखने मिलेगी। यहाँ पे बात करें सबसे पहले टैब S6 की, तो ये आज लॉन्च हो जाएगी, वहीं जो एक्टिव 2 है वो आपको देखने मिलेगी 5 अगस्त को। तो यहाँ पे दोनों नई चीज आने वाली है, और अब लग रहा है कि नोट 10 भी बहुत करीब आ चुका है और जल्दी आपको देखने को मिल जाएगा। तो बताइए क्या सोचते हैं, और क्या आप टैब S6 या गैलेक्सी वॉच एक्टिव 2 को लेना पसंद करेंगे, तो कमेंट कीजिए और बताइए। बात करें अगली डेली डॉज की तो ये आ रही है हुंडई की तरफ से, और यहाँ पे इन्होंने एक माइलस्टोन का अचीव कर लिया है वो भी इनकी वेन्यू से, और यहाँ पे इन्होंने बताया कि वेन्यू की 50,000 बुकिंग हुई है वो भी 60 डेज के अंदर। जी हाँ, तो आप देख सकते हैं हुंडई वेन्यू ने कमाल तो दिखाया है। तो आप बताइए क्या सोचते हैं, और क्या आपने भी बुकिंग करवा रखी है हुंडई वेन्यू की, तो कमेंट कीजिए और बताइए। बात करें अगली डेली डॉज की तो ये आ रही है एलन मस्क की तरफ से, और यहाँ पे इन्होंने बताया कि टेस्ला के अंदर ये लेके आने वाले हैं नया फीचर जिसके तहत आप यहाँ पे यूट्यूब और नेटफ्लिक्स देख पाएंगे। जी हाँ, ये डैशबोर्ड टच स्क्रीन के अंदर ये नया फीचर लेके आने वाले हैं, और यहाँ पे इन्होंने बताया कि जब भी आपकी गाड़ी खड़ी होगी तब आप इन यूट्यूब और नेटफ्लिक्स का मजा उठा पाएंगे। तो बताइए क्या सोचते हैं, और क्या आप चाहते हैं टेस्ला इंडिया में आए, तो कमेंट कीजिए और बताइए। बात करें अगली और फाइनल डेली डॉज की तो ये आ रही है टाटा हैरियर से, और यहाँ पे दो न्यूज सामने आई है। पहली न्यूज शेयर की है ऑटो कार इंडिया ने। बात करें अगली और फाइनल डेली डॉज की तो ये आ रही है टाटा हैरियर की तरफ से, और यहाँ पे दो न्यूज सामने आई है। एक न्यूज शेयर की है ऑटो कार इंडिया ने, और इन्होंने बताया कि यहाँ पे ये मिलने वाली है ऑल ब्लैक में, वो भी अगस्त 2019 से। जी हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपको फुल ब्लैक में ये टाटा हैरियर देखने को मिलेगी, और ओवरऑल लुक वाइज ये बहुत ही किलर लग रही है। इंटीरियर भी आप देख सकते हैं बिल्कुल ब्लैक है, और लुक वाइज ये बहुत ही किलर लग रहा है। बात करें सेकंड न्यूज की तो सेकंड न्यूज शेयर की है रशलेन ने, और यहाँ पे इन्होंने बताया कि टाटा हैरियर के अंदर आपको ऑफिशियली अब मिल जाएगा सनरूफ। जी हाँ, यहाँ पे एक्सेसरीज के तहत ये निकाल दिया गया है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आप लगवा पाएंगे। यहाँ पे बात करें कोस्ट की तो बताया जा रहा है 95K आपको इसके लिए देने होंगे। तो बताइए क्या सोचते हैं, और क्या आप टाटा हैरियर को ब्लैक कलर में लेना पसंद करेंगे, साथ ही साथ क्या आप सनरूफ लगवाना पसंद करेंगे, तो कमेंट कीजिए और बताइए। साथ ही साथ बताइए कैसा लगा आज का डेली डोज। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जितना हो सके इसे फैलाइए, और हो सके तो डोनेट कीजिए। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही था। मैं था आपका दोस्त अमन सारड़ा। भारत माता की जय।